नमस्ते। अमेरिका में चल रहा है बहुत ज्यादा ही ट्विस्ट एंड प्लॉटिंग। जैसा कि हम सबको पता है, अनुपमा सीख रही है डॉली बेन से इंग्लिश में बात करना, कि इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अमेरिका जाएगी। बट सच तो वनराज और बा ही जानते हैं। वो दोनों नहीं चाहते कि ऑडिशन आगे तक जाए, और वनराज भी यही करता है, उसका ऑडिशन देता ही नहीं। बट यहाँ मासूम अनुपमा को पता ही नहीं है कि उसके ऑडिशन जाएगा ही नहीं आगे तक। वहीं वनराज रेडी होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रितिका से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वो वहाँ पे वेट कर रही होती है, बट जानकी उसके सामने नहीं जाता ये देखने के लिए कि क्या रिएक्ट करती है। रितिका का फेवरेट परफ्यूम लगा के आया होता है वनराज, और रितिका कहती है उससे, तुम मेरा फेवरेट परफ्यूम लगा के आया? तो वहीं उसे वो कहता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ यानी अनुपमा का फेवरेट परफ्यूम है, मेरे बच्चे भी हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर रितिका कहती है, प्लीज मुझे और अपने आप को बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, चलो दोनों वापिस आ जाते, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी, तुम अपनी वाइफ यानी अनुपमा को छोड़ देना। वहीं वनराज ऐसा कहता है कि बात अब बहुत आगे तक बढ़ चुकी होती है, बट कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल। फिर वो रितिका को छोड़ के रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है, और रितिका वहीं रो रही होती है, और वहीं चुपके से वनराज देख रहा होता है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या क्या उसके दिमाग में ऐसा कुछ है कि वो सीरियसली रितिका के पास वापस जाएगा या नहीं जाएगा। वहीं बेचारी को पता भी नहीं है अनुपमा को किसको ऑडिशन पहुंचा गया नहीं, और वनराज के पास उसके बॉस की कॉल भी आती है कि एसएसपी ने ऑडिशन नहीं दिया। तो वनराज क्या करता है, सारा ब्लेम अनुपमा पे डाल देता है कि इसको घर का काम होता है, ये इनने शूट ही नहीं किया, इसके पास टाइम ही नहीं है, इवन ये सब्जी लेने जाती है तो भी अकेले नहीं जा पाती है।